नमस्कार, आप सभी का नाम सोम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पंचायती चुनाव चल रहा है और जैसे जैसे हर क्षेत्र का डेट नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अपने आप में एक प्रत्याशियों के बीच भी और उनके समर्थक भी एक उत्साहजनक चीज़ें दिखा रहे हैं। कुछ कहीं जयकारा लगा के तो कहीं आपसी थोड़ा सा हम आग्रह करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा बस शांति बनाए। आपके उत्साह को हम समझ रहे हैं, चीज़ें आप नहीं भी करना चाहते हो तो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो बिना किसी देरी के बातचीत करते हैं। अभी हम लोग हैं रामगढ़ क्षेत्र में, हालांकि यहाँ चुनाव अभी काफ़ी लेट होना है नवंबर में, तो पहले परिचय लेते हैं फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं। अपना एक बार परिचय दीजिएगा। जो कि मैं उदय प्रताप सिंह, ग्राम बगाड़ी से लड़ रहा हूँ चुनाव। अभी आप चुनाव में उतरे हुए हैं जी, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप जिला परिषद का चुनाव लड़ने का जब सोचे होंगे, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ आपका? मैं फर्स्ट में फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल के बाद हम लोग अपना बैठने के बाद अपना एक विचार हुआ, आज यहाँ समाज में कुछ लोग जात के नाम पे चुनाव लड़ रहा है, लोग पैसे के घमंड में चुनाव लड़ रहा है, लोग सेवा की भाव से कोई नहीं लड़ रहा है आज चुनाव। जैसा आपने अभी पॉइंट आउट किया जात वाली बात जी, तो आपके राजनीति में आपके प्रचार प्रसार जो चल रहा है, ये जो आपके साथ जो क्राउड है, इसमें कहीं जात पात देखने को मिल रहा है या फिर कहीं जाते हुए ऐसा देखने को मिल रहा है? आप देख सकते हैं पूरी जात यहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, जो जात पात की बात मैंने कहा आपसे, वो उसको आप निष्कासित कर रहे हैं सवाल को, कि मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, सारे जात आपके साथ है? आज तक जिस पद से जिस चीज के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लगभग 20 सालों से मैं देख रहा हूँ, जिला परिषद का महत्व पूरे क्षेत्र में कुछ पता नहीं है कि क्या उसका मद है, क्या उसका मतलब है, या कोई आज तक ये बता नहीं पाया कि जिला परिषद भी कोई चीज है। जो भी जीता अपने धरातल पे जीता, धरातल पे कुछ आज तक नहीं दिखा। जो लोग भी जीते, जीत करके अपने घर गए, आज भी अपने घर हैं और फिर चुनाव आया अपना आ गए यहाँ, व्यक्तिगत लाभ उठा रहे हैं। तो जनता इस बार आपसे क्या उम्मीद करेगी? अगर आप जीत के आते हैं तो आप व्यक्तिगत लाभ उठाएंगे या फिर सामाजिक लाभ उठाएंगे? नहीं, मैं सामाजिक लाभ उठाऊंगा। क्यों? लेकिन व्यक्तिगत जीवन भी तो है सबका। तो ठीक है, व्यक्तिगत जैसा उचित होगा उसका मदद करेंगे हम लोग। अच्छा। मेहनत करेंगे उसके लिए, लड़ेंगे उसके अनुसार। इस बार अगर आपको ये जनता चुन के लाती है तो क्या नया देना है कुछ? क्योंकि वर्तमान के रहते हुए उन्होंने भी तमाम वादे किए होंगे, तो जनता ये सुन चुकी है उनकी कि हम फला करेंगे। अब आपको समर्थन कर रही है तो क्यों आपको समर्थन करें कि आप उनके लिए तो कुछ नया करें? यहाँ आज हम लोगों के यहाँ ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, ना कोई बिचौलियों की तरफ आपका जी इंडिकेशन है यहाँ, ना तो कोई ब्लॉक से कोई मतलब है। यहाँ लोग परेशान होकर के, देहात से लोग परेशान होकर के आ रहा है, लोग अंचल में आ रहा है, ब्लॉक में जा रहा है, वहाँ से 4-5 दिन चक्कर काट के फिर घर आ रहा है, एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है। उसके लिए पहले तो मैं सबसे पहले उसके लिए लड़ूंगा, शिक्षा के लिए लड़ूंगा, शिक्षा सही हो। ये तो आपके आपने नया क्या करिएगा, क्योंकि पहले से ये सारी चीज़ें घिसी पिटी चली आ रही हैं जी। अब जो जनता यहाँ पे देख रही है या फिर यहाँ पे आपके जो समर्थन में लोग खड़े हैं, ये भी जानना जरूर चाहेंगे कि आप में ऐसा क्या खास बात है कि वो आपको वोट करे और आप उनके लिए मददगार साबित हों? कुछ खास बातें बताइए। जिला परिषद का मद जो है सबके सामने ले आकर के पटल पे रख दूंगा। अभी तक वो चीजें हैं धरातल? ये कुछ नहीं है। जिला परिषद का महत्व किसी के पास अभी पता नहीं है कि जिला परिषद भी कोई चीज है और कोई मद है, उससे भी कुछ होता है, वो जिला परिषद भी कुछ होता है, ये किसी को पता कर लीजिए। इतना बड़ा जनसमूह है कि अगर कोई कह दे कि नहीं हमको जिला परिषद से कोई मतलब, कोई आज आकर के ये बता दे कि नहीं जिला परिषद हमारा यहाँ ये काम कराया हो। क्षेत्र से क्या सुनने को मिल रहा है जब आप जाते होंगे क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए, वहाँ पे क्या जनता से क्या सुनने को मिल रहा है? कुछ नहीं, जिला परिषद का तो लोग नामे नहीं ले रहा है कि जिला परिषद भी कुछ है। जिला परिषद तो जो जीता है उसको कोई देखा भी नहीं है। अच्छा, खाना फूकी उकी होता है। जिला परिषद जो जीत गया वो आज तक मैंने आया तक नहीं है धरती पे, जो किसी से चले। आपको ये नहीं करेंगे बब्बा बचवा तो फिर तुम्हें जिला परिषद लड़ता जब वो लोग बेना गिर? एक समुदाय से लड़ रहा है लोग। अच्छा, एक समुदाय है, एक समुदाय से लड़ करके वो समुदाय उनका इकट्ठा है, अपना समुदाय दे रहा है और पब्लिक जो है सो इधर बट करके अपना कष्ट भोग रही है और वो अपना राज कर रहा है पद पे आकर के। हम आपके साथ थोड़े बहुत प्रचार प्रसार करते हुए लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका, थोड़ा समझ चाहिए? भागवत सिंह भड़ेरिया।
भड़ेरिया के निवासी हैं। इन्होंने जैसा बताया कि जो वर्तमान जिला पार्षद हैं, न कोई उनका किसी पक्ष में न लाभ जानता है, न कुछ भी चीजें, मतलब वो चीजें नहीं कर रहे हैं धरातल पे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? हम लोगों को तो काम चाहिए, समाज से प्रेम चाहिए, सबका दुख सुख में साथी चाहिए। कौन इस बात लग रहा है? कौन बनेगा जिला पार्षद? क्या लग रहा है? उदय प्रताप सिंह नीतू, इन्हीं को जिताइएगा। क्या है, क्या खास बात है इनमें? खास बात है कि हर दुख सुख में, हर समय में, जब भी आधी रात हो, दिन हो, या किसी भी टाइम में अगर हम लोगों का फोन जाता है या आवाज पहुंच जाता है, तुरंत दौड़ कर आ जाता है। लेकिन हमको तो पता चला कि जीतने के बाद फिर इनमें गुरु आ जाएगा, जब नेता हो जाएगा। हारने के बाद जब दौड़ रहा था, जीतने के बाद तक तो छोड़िए। अच्छा, ये तो मलती गुप्ता जब से खड़ा थी तब से लड़ाई चल रहा है, मध्यादि चुनाव हुआ उसके बाद भी चल रहा है। ये जो एकदम थर्ड पोजिशन आदमी व्यक्ति था, जो फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया, वो लोग झगबे नहीं किए, और जब सबने निचले पायदान पर समाज में सेवा करता रहा व्यक्ति, कैसे है क्या उदय प्रताप सिंह? तो मान लीजिए हो सकता है कहीं जीतने के बाद एक गुरु आ जाए, और राजनीति ऐसा चीज है कि कड़पन आ जाता है। हम लिए जबकि इतना हरासमेंट होते हुए खा जाएगा कि हरासमेंट होते हुए भी हम अभी समाज के प्रति लगे हुए हैं। हम तो हरासमेंट जीतने के बाद क्या होगा वो बातें लगे, लेकिन हारने के बाद मेरी उत्साह है। जी आप भी कुछ नारा रखना चाहते हैं, बताएं। वही है जो भाई जी बोले कि दिन रात जब भी कोई कहीं याद करता है। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव की बातें कर रहे थे। नेगेटिव पॉजिटिव की बात है कि बोल रहे हैं कि गरुड़ में आ जाएंगे, तो कहीं गरुड़ में आ जाएंगे, जब हम देख रहे हैं नहीं आएंगे। अब कहाँ हो जाएंगे, अभी जो दिखाई दे रहा है कि नहीं होने वाले हैं वो हम जानते हैं। अच्छा। कि नहीं होने वाले, गरुड़ नहीं आने वाला है, आएगा तो देखा जाएगा, वो तो बाद की बात है। अच्छा, इनको इस समय इनको जिताना है। 7 वर्षों से सर बजरंग सिंह तरुण जी, 7 वर्षों से हम इनको जानते हैं, जो चुनाव में आए हैं, जब से राजनीति में, जब से राजनीति में आए हैं, एक हफ्ता नहीं। कारण आप ही तो नहीं है इनको लाने का? जी नहीं नहीं, नहीं हमारा जान पहचान हुआ है राजनीति में आने के बाद, हुआ है, तब से हम इनके साथ हैं, इनके व्यवहार से। अच्छा, और ये 8 दिन नहीं बीतता है सर, हमारे दरवाजे पर, गांव में, देहात में, सबके यहाँ जाते हैं, दुख सुख, मरनी जेनी, शादी विवाह, कोई नहीं छोड़ते हैं। हाँ, कैसे बदल जाएंगे, सम्मिलित रहते हैं एकदम बराबर सम्मिलित। अभी तो कल की बात है, 9 बजे रात को हमारे यहाँ से प्रवाह करने गंगा जी गए, गोगाड़ी का कोई मरा हुआ था। अच्छा, 9 बजे रात को कहाँ जा रहे हैं? उदय तो जा रहे हैं हम प्रवाह करने, चुनाव तो फिर कल प्रचार कर लेंगे गांव बढ़ा के, लेकिन वहाँ जाना जरूरी है, ऐसा हमारा नेता। आप बताए नहीं कि यार दिन रात प्रचार प्रसार कर रहे हो, थक जा रहे हो, जाना जरूरी थोड़े है अपना आराम। और कैसे रोक दें, ये तो अच्छी बात है, 12 बजे जाए हम उतने खुश होंगे, हमारे सुख दुख में जा रहे हैं, इससे बढ़िया और का है? एक सेकेंड पोजीशन का व्यक्ति आके 5 साल बाद आया है फिर प्रचार करने, 5 साल बाद, लेकिन ये 5-10 गांव के लोग हैं, जरा बता दे कि 15वां दिन किसके दरवाजे पे आज व्यक्ति नहीं गया है, हारने के बाद भी, तीसरे चौथे नंबर पे आने के बाद भी, बता दीजिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो क्षेत्र की और ग्रामीण की जनता का जो बात सुनेगा वही सत्ता में है। क्या नाम है? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है, हम ग्राम जंदहा से हैं। अच्छा अच्छा, बीच बीच में आप नारा भी लगा रहे थे काफी जो उत्साह के साथ। हम समर्थक हैं इनका। अच्छा। तो नारा तो हम लगाएंगे हैं। क्या खास बात है इनमें कि आप इनका समर्थन कर रहे हैं? ये हमारे पूरे रामगढ़ प्रखंड में सबसे युवा जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, और युवाओं का ही इनका काम है, युवाओं का जोश भरना, और एनी टाइम ये युवाओं के साथ रहते हैं, नौजवानों के साथ हैं, जब जरूरत पड़े बिन बुलाए पहुंचने वाले हैं। आपका क्या मदद की? मेरा इतना मदद किए हैं कि जो आप सोच नहीं सकते हैं। हमारा रामगढ़ प्रखंड में थाना फुकाया हुआ था, सबसे पहला व्यक्ति ये खड़ा होने वाले थे, तो इससे बड़ा मदद हमको क्या मिलेगा? मतलब ये ना जीतते हुए भी इतना अग्रसर थे कामों को लेकर? अभी अग्रसर है, चुनाव मुद्दा है केवल कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, उनको ये परवाह नहीं, हमको जनता के बीच रहना है। हम वैसे नेता का चुनाव कर रहे हैं जिनका नाम उदय प्रताप सिंह है। ठीक है, अगर आप इनको जिता देते हैं जी, तो जीतने के बाद इनसे नया क्या चाहेंगे क्षेत्र में? जीतने के बाद हम यही चाहेंगे कि जिस तरह पीछे रहे हैं उसी तरह रहें, हम लोगों का बस इतना ही है, और विकास में जो भी है इनसे बढ़िया कोई नहीं है, जनता के बीच बस अपना ये समय समर्पित करते रहे, इनसे बड़ा अब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस ये जीतना चाहिए। यस, जीतना चाहिए हमको। क्या नाम पड़ेगा आपको? मेरा नाम, पहले सभी को नमस्कार है, मेरा नाम सचिन सिंह पड़ेगा, सहुका मकान है। अच्छा, और पिछले कोविड में ये समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। यानी आपको कोविड हुआ था? कोविड हो गया था, वो भी बहुत भयंकर तरीके से, जिसमें से सिर्फ 2 लोग जो थे आज भी हैं, और उन दोनों लोगों का मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा, जिसमें से एक ये हैं। क्यों, इनका क्यों एहसान मानेंगे? कोविड में ये हो गया था कि भाई तो छोड़िए, गांव के लोग भी मेरा साथ नहीं दिए थे,
घर के लोग साथी जब नहीं रहते तो गांव का तो बात ही छोड़िए। वही बात है। और उसमें ये अगला बंदा 20 दिन हमारे घर से खाना लेके हमको हॉस्पिटल भगुआ पहुंचाया है। ये मतलब इनको इस चीज का बिल्कुल डर नहीं था कि हमको भी कोरोना ना हो जाए। 20 दिन अगला हमारे हुआ नहीं ना आपको? नहीं हुआ नहीं है है ना, मान लीजिए क्योंकि ये नहीं वाली ये अगले ऐसे हैं कि इनके लिए मैं जिंदगी भर इनके साथ रहूंगा। मतलब आपका आप जानते थे कि एकदम अंतिम स्टेज में है, एकदम अंतिम स्टेज। हालांकि एक शख्स का तो आपने नाम ले लिया, दूसरे का लेना चाहेंगे? दूसरे का इस ये स्टेज अभी सही नहीं है कि मैं यहाँ से उनका नाम लूं। चलिए, और हालांकि जब क्रिटिकल मौका आएगा तो मैं उनका भी नाम लूंगा। क्रिटिकल समय में भी इन्होंने आपका साथ दिया। जी बिल्कुल। तो जैसे होता ना हर गांव देहात में बड़ा कान भरने वाले कुछ लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, तो आपका किसी ने कान नहीं भरा कि मैंने पहले ही आपको परिचय दिया? चुनाव लड़ने वाले नहीं, पहले ही मैंने आपको क्या परिचय दिया? मेरा घर कहाँ है? सहुका। सहुका घर है। सहुका घर समझ लीजिए कि सहुका से एक आदमी उनके साथ है तो 100 आदमी साथ है इसके बराबर। अच्छा, मतलब पूरा गाँव का समर्थन एक सर है। राजधानी है, रामगढ़ की राजधानी है सहुका। अच्छा, इस बार क्या लगता है कुछ नया होने वाला है रामगढ़? इस बार माहौल बहुत बढ़िया बना है, 100% सपोर्ट समर्थन मिल रहा है। यहाँ के युवा भी सब साथ में, हर गांव के युवा साथ में है और बूढ़े बुजुर्ग का भी आशीर्वाद साथ में है इनके। हाँ, नया कुछ उम्मीद है प्रणेता जी से? अब नया उम्मीद इन्होंने तो गिना दिया कि मतलब जो पुराने थे उनसे तो बहुत उम्मीद थी। हाँ। उनको तो आज तक हम देखे भी नहीं है। अच्छा, आपका भी दर्शन नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, जबकि हमारे गाँव में उनका ससुराल भी है। ससुरारी करने तो आते हैं? ससुरारी करने आते हैं, लेकिन दुआर तो करना चाहिए, कम से कम वोट मांगने तो आना चाहिए। वो भी नहीं हुआ है। जैसे गांव देहात में बात होता होगा, मतलब इनका भी अब बता रहे हैं कि बड़ी वर्चस्व है, मतलब जीतने के प्रति नए जुझारू हैं और सबके सुख दुख में साथ दे रहे हैं, इनको टक्कर कोई देने वाला है क्षेत्र? इनको कोई टक्कर नहीं देने वाला फिलहाल इस चुनाव में, तो कोई टक्कर देने वाला प्रत्याशी चुनाव में कोई नहीं? नहीं, हमको कोई प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है। चलिए, हम भी चाहें कि काम को देखते हुए लोग जिताएं अपने कैंडिडेट को, ना कि जात पात और फला चीजें। अंत में कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी जनता वहां देखते हुए? एक बार अपील करें कैमरे में। सबसे पहले आज यहां सराय गांव में जितने भी हमारे गार्जियन आए हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। बस मेरी अपील यही है, जिस तरह से आज मुझे आप लोग प्यार और स्नेह दिए हैं, एक छोटा भाई और बच्चा समझ करके, अपना बेटा समझ करके, आज मैं यहाँ से चला जाऊँगा, 10-12 दिन के बाद आऊँगा इस सराय गांव में, इस इलाके में। ये 10 दिन तक आप बेटा बन करके हमारा मेहनत कीजिए, हमारे साथ लग जाइए। मैं आपका बेटा और भाई बन करके क्षेत्र में रोज प्रतिदिन, चुनाव तो आज आता जाता रहेगा, मैं चुनाव के बाद में भी आपसे वादा करता हूँ, आप सभी जनता से, सभी मतदाता मालिकों से मैं अपील करता हूँ, जितना मेहनत मैं आज कर रहा हूँ उसके ठीक 2 गुना मेहनत करूँगा। आप जब मुझे ढूंढिए, रामगढ़ में मिलूँगा, आपके घर में मिलूँगा, आपका बेटा बन करके रहूँगा, आपका वोट दिया हुआ बेकार नहीं जाने दूँगा। इसकी पुष्टि करते हैं अपने वोटरों से? जी। चलिए, हम और यहाँ पे जितने भी जनता है और जो ये देख रही है वो भी यही अनुमान करें कि आप जीतने के बाद उनका समर्थन दें, हर घड़ी में उनका साथ दें। बाकी आपको इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, कैसे नेता लगे आपको ये भी बताइएगा जरूर। और बाकी रामगढ़ में इस बार जीत की पगड़ी किसके मत्थे बनेगी जिला परिषद सीट पर, ये तो निर्णय के बाद ही पता चलेगा। फिर मिलते किसी नए क्षेत्र में, देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। धन्यवाद।